हेलो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं अनुस्वार अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग, जिसको हम अह भी बोलते हैं। अनुस्वार की क्या पहचान होती है? ये बिंदु जिसको हम बोलते हैं, और अनुनासिक जिसकी पहचान होती है चंद्र बिंदु, और विसर्ग यानी अह ये आपका यूज होता है ऐसे दो डॉट, जो मेरी संस्कृत में सबसे ज्यादा यूज होती है। हिंदी में कई शब्द ऐसे आते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको इनसे संबंधित एक एक दो दो शब्द बताऊंगी। सबसे पहले हम अनुस्वार को लेकर चलेंगे। जैसे हम लिखते हैं सुंदर, सुंदर, लंबा और कल्ट, इसमें देखो जो हमने बिंदु बिंदी लगाई है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। उसके बाद हम बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक शब्द यानी चंद्र बिंदु हम किन शब्दों के ऊपर लगाते हैं? जैसे कांच, सॉरी चांद, कांच, ऐसे चंद्र बिंदु। ये जो चंद्र बिंदु और जो बिंदी होती है ये खड़ी पाई के ऊपर लगता है। खड़ी पाई मीन्स ये खड़ी पाई है, इस खड़ी पाई के ऊपर हम इसको लगाते हैं। अगर इधर उधर ये हिंदी में ये चीजें हो जाती हैं तो वो आपका शब्द गलत हो जाता है। उसके बाद विसर्ग, इससे भी कई इससे संबंधित भी कई शब्द आते हैं। जैसे अतः, दुख, निस्वार्थ, इन शब्दों में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये थे आपके अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इसके बाद हम करेंगे र के विभिन्न रूप। र के कितने रूप होते हैं? हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द आते हैं, किसी में किसी तरह का र लगता है, किसी में किसी तरह का र लगता है। तो आज मैं आपको उन रूपों के बारे में बताऊंगी, र के विभिन्न रूप। जैसे एक हम लगाते हैं ये क्रम, क्रम में लगा है, मान लो प्रचार। जो ये वाला र है ये क्या है आपका? ये पैरों में लगता है, इसको हम बोलते हैं पैरों में लगना। जो पैर में जो र लगता है हमारा, वो हमारा र स्वर सहित होता है। ये भी हमारा पैर में र लगा हुआ है और ये भी पैर में र लगा हुआ है। एक आता है आपका ये वाला, जैसे ट्रक, ट्रक, ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता है आपका ड्रामा, एक शब्द आता है आपका ड्राइवर। ये आपके शब्द हैं जिसमें नीचे र लगता है। बदतमीज़ नहीं था।